मैं आज आपके लाया हूँ एक मज़ेदार वीडियो जो आपको काफ़ी मज़े आने वाला है। ये वीडियो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कंडीशनल स्ट्रक्चर, यानी आपको प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में आपको क्या होगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। जो आप कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसका मैं आज स्ट्रक्चर लिखूँगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, जो आपको देखेंगे उसके आधार पर हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके आधार पर हम सीखेंगे जो कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं विथ स्ट्रक्चर के साथ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। बेल आइकन का जरूर बटन दबाना, ताकि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, वीडियो अब शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कंडीशनल स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बताऊंगा वर्तमान, भूत और भविष्य काल के में कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, तो वो चीज़ को बारे में आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, आसानी से आप सीख सकोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, SUBGCT सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद जो है प्लस का चिन्ह देंगे। देखो हम प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद अगर पास्ट में है तो वाज वेयर, अगर आप फ्यूचर में है तो शल बी विल बी का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर शैल विल बी अदर वर्ड, तो आपको जो लेना है सभी नहीं लेने हैं। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर में से कोई एक लेंगे, वाज वेयर में पास्ट में होगा तो वाज वेयर में से कोई एक लेंगे, और फ्यूचर में रहता है तो साल बिल में से कोई एक लेंगे। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो सेंटेंस के अंत में लिखा रहेगा हाय हूँ हूँ, समझ जाइए प्रेजेंट में है, था थे लिखा रहे पास्ट में, और गागे लिखा रहे फ्यूचर। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, वाज वेयर का कैसे प्रयोग करेंगे और शैल बिल का प्रयोग कैसे करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ हम बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर, जो कैसे आप सेंटेंस को बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 4 एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे लिखेंगे वह स्वस्थ है, समझे ना, ये हुआ हे के साथ लेंगे इज, क्या लेंगे के साथ लेंगे इज है ना, तो इन्हीं तीन में देखना, इज एम आर में से देखेंगे तो ही इज हेल्दी, कंप्लीट हो गया ये, क्यों है था तो इज एम आर में से लेंगे तो ही के साथ इज लगता है, इसलिए मैं कमजोर हूँ तो देंगे आई के साथ, क्या लेंगे अभी बार एम, उसके बाद लेंगे अदर वर्ड मेरा यहाँ क्या है वीक, इसमें हम ये तो नहीं लगाएंगे क्योंकि कमज़ोर है, कमज़ोर तो गिर नहीं सकते, इसलिए नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं हम लोग व्यस्त हैं, तो हम लोग के साथ वी आता है, वी के साथ हम आर लेंगे, वी के साथ क्या लेना है आर बीजी, ये सेंटेंस समझ गए, ये सब लेना है आपको। अभी हम प्रेजेंट बता रहे थे ही इज का प्रयोग किए, आई के साथ एन का प्रयोग किया, वी के साथ आर का प्रयोग, क्योंकि हाय लिखा है ना, समय हाय देख रहे ना, समय क्या है यहाँ पे हाय है। अब हम वाज वे पर चलते हैं, देखते हैं हम लोग उदास थे, देखिए यहाँ पे थे आ गया, थे लेंगे हम लोग का पता ही है वी होता है, वी के साथ यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर आर लगा, यहाँ पर आर नहीं देंगे क्योंकि है था इसीलिए आर लिए, यहाँ पे थे है तो वी के साथ हम वहाँ बता दिए, तो वी के साथ वेयर लेते हैं, यहाँ पे लो वी वेयर सैड हो गया ना, ये लगे वह
परेशान था। ही वॉज ट्रबल, ही वॉज ट्रबल। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, वी वेयर सैड, ही वॉज ट्रबल, ही के साथ वह आता ही के साथ, ही के साथ वाज लेते हैं क्यों था है, हाय तो है नहीं जी मार्मस लेंगे, समझ गए ना, तो वाज का प्रयोग करना। अब हम प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, मैं गायक बनूंगा, तो लेकिन आए आई के साथ प्रयोग क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल बी, यहाँ देंगे ए। आप सोचोगे यहाँ पर हम एक नहीं लिखा है तो फिर यहाँ पे एक क्यों लिए, देखिए हिंदी में एक रहे या नहीं, एक वचन का बोध हो रहा है इसमें कि मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो मतलब एक ही का वस्तु का बोध हो रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है क्या, तो गायक, तो आप एक गायक बने ना, तो आई शिल बी ए सिंगर, समझ गए ना। उसके बाद लेंगे वह उदास रहेंगे, ही विल बी सैड। देखो ही के साथ विल लगाते हैं, अभी के साथ बी देंगे विल बी, उसके बाद सैड आ गया। उसके बाद देंगे आप लोग थके रहेंगे, थके रहेंगे तो यू विल बी टायर्ड, समझ गए ना। चले कहेंगे हम लोग मूर्ख नहीं रहेंगे, यू वी के साथ वी, हम लोग के साथ वी लेंगे, वी के साथ सॉल का प्रयोग करना, वी सॉल बी, नोट लगा है तो सॉरी नोट देंगे पहले, बी पुलिस, सिल्ली भी दे सकते हो। तो इस तरह सेंटेंस को आप क्लियर करेंगे, यानी आप क्या लेना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग फॉर्म देना है, अगर हाँ ये सब रहा तो इजे मार लेंगे, था रहेगा तो वाज मार लेंगे, आगे रहेगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। सब हम या का चिन्ह दिए, ऑब्लिक का चिन्ह दिए हैं, इसमें से कोई एक हेल्पिंग भर लेंगे। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग भर लेंगे, और देख रहे ये सब मेरा हेल्पिंग भर है, इतना सर आप देख रहे हैं, इतना क्या है मेरा हेल्पिंग भर भी है, ये सब इतना हेल्पिंग भर है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग भर और अदर वर्ड सेंटेंस को इस सेंटेंस लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग फॉर लेना है, अदर वर्ड लेना है, तो आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो आप हमको बताए हैं, इज एम आर, वाज वेयर, शैल बिल, शैल बी और विल बी का प्रयोग बताए, जो कैसे आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंस को बनाओगे, तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। आज इस वीडियो देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमको बताए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर आप इज एम आर, वाज वेयर और शैल बिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में निगेटिव सेंटेंस भी बताए हैं, वी लिए, शैल लिए, सॉल के बाद नोट लेंगे, उसके बाद बी डालना है, समझे ना, और उसके बाद अदर वर्ड लेना है। ठीक है, तो इस तरह वीडियो को आपको आप लगा हम कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप क्या करना, लाइक शेयर कमेंट करना, और बेल आइकन का बटन होगा उसको दबाना, ताकि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे और अच्छे से वीडियो सीखेंगे। और जैसे ही आप स्पोकन क्लास देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, तो यही है प्रारंभिक चक्र देख रहे ना, ये जो हमारा आवाज वेयर शैल विल का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इन्हीं के आधार पर आप सीखेंगे, ये बेसिक हुआ, तो बेसिक से ही हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना, समझे ना। तो इस पूरा स्ट्रक्चर का नॉलेज पूरा ढंग से हो जाएगा, तो आसानी से आप इंग्लिश बोल सकेंगे। ठीक है।